डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले हमलावर को लेकर दो गवाहों ने बड़ा दावा किया है। गवाहों ने बताया कि हमलावर ट्रंप को मारने के लिए एक सटीक स्थान की तलाश कर रहा था। FBI ने रविवार को बंदूकधारी की पहचान पेंसिल्वेनिया के बेथेल पार्क निवासी 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में की। डोनाल्ड ट्रंप पर 4 से 5 गोलियां दागी। आरोपी के पास राइफल के अलावा कंबल भी था। सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से पहले आरोपी एक छत से दूसरी छत पर घूम रहा था। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने आरोपी को मार गिराया है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। भारतीय टीम को पहले मैच में हार का मुंह देखना पड़ा था। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल जून 2024 को समाप्त होने वाला है। अब भाजपा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में है। प्रदेश और केंद्रीय परिषद के चुनाव के बाद होगा अध्यक्ष चयन। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर तक होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता की सराहना की और बताया कि यह अगले 25 वर्षों की जरूरतों को पूरा करती है। ऋचा चड्ढा और अली फजल जल्द ही बच्चे का स्वागत करेंगे। ऋचा ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जहां उन्होंने अपने बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उन्होंने अपनी खुशी को फोटोज के साथ साझा किया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए टैबलेट पर चेहरा दिखाने का आदेश जारी किया गया था। अब शिक्षकों को स्मार्ट क्लास लेते समय एक वीडियो बनानी होगी और उसे बेसिक शिक्षा कार्यालय में भेजना अनिवार्य होगा। यह पहल शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है। तेलंगाना के नारायणपेट के 22 वर्षीय मोहम्मद सुफियान के भाई सलमान ने अधिकारियों से अपने भाई को रिहा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। सलमान ने कहा कि सुफियान अभी यूक्रेन में है और युद्ध क्षेत्र से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर है। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख प्रो रामगोपाल यादव ने 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के परिणाम पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का धर्म का ढोल फट गया है। यह इस साल के आखिरी में होने वाले हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुस्लिम तालकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का फैसला किया था। इस निर्णय के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज बैठक की, जिसमें 50 से अधिक धार्मिक गुरु और कानून के जानकार शामिल हुए। बोर्ड ने कहा कि SC का फैसला शरीयत कानून से मतभेद पैदा करता है।